हेलो माय ब्रेव सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपके लाइफ की जर्नी, आपके कंफर्ट्स, आपके फाइनेंस, मनी, आपके लव लाइफ, स्ट्रगल कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ। ओके, यहाँ पर क्रिस्टल है एंड अपर में एक डिफरेंट कार्ड है। तो अगर कार्ड से आप चूज़ करना चाहते हैं कार्ड के कलर, इंट्यूटिवली जो क्रिस्टल या फिर कोई कार्ड आपको अट्रैक्ट करे उसी के थ्रू से आप चूज़ करेंगे। ओके, आप हो सकता है कि आप दो ऑप्शंस के साथ आप आप इंट्यूटिवली अट्रैक्टेड है, तो आप दो पाइल को देखिए। ओके, ग्रुप नंबर वन सेलेनाइट क्रिस्टल वॉन्ड, मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी। ओके, ग्रुप नंबर टू सोडालाइट क्रिस्टल पिरामिड, ओके, ग्रुप नंबर थ्री मॉस एगेट हार्ट, मॉस एगेट हार्ट, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर वन, आपकी लाइफ की जर्नी वो फाइनेंशियली कैसे होंगे, इमोशनली लव लाइफ आपकी कैसे होंगे, ओवरऑल आपकी लाइफ की जर्नी। एंड आपने चूज़ की है सेलेनाइट क्रिस्टल वन। ओ माय गॉड, इट्स वेरी वाटरी एंड इट्स वेरी स्पिरिचुअल। बात सिर्फ वाटरी साइन का नहीं, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो का नहीं, इट्स वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। बिकॉज सेलेनाइट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्लिंजिंग के लिए, मतलब चीज़ों को क्लीन करने के लिए, चाहे वो क्रिस्टल हो, डेक हो। सो इट लुक्स लाइक कि बहुत कुछ पहले का एक आप है, आप रहेंगे एंड धीरे धीरे ये हम सब में परिवर्तन आते हैं। बट आप देखेंगे जिस चीज़ पर आपको भरोसा नहीं थी, आप उसी चीज़ को भरोसा करने लगे हैं, उस चीज़ पर ही बिलीव आएगा, ऐसा बिलीव और छूट ही नहीं पाएंगे उस चीज़ से। जस्ट फॉर एग्जांपल, शुरुआती दौर में आपको लगता था क्या ज्योतिष है, क्या एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट कुछ तो नहीं होती। धीरे धीरे हो सकते इन सारी चीज़ों के ऊपर आप इस तरह से लगाव होगा कि आप पढ़ना शुरू करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये मैं सिर्फ जस्ट फॉर एग्जांपल एस्ट्रोलॉजी को लेकर बता रही हूँ, ये और भी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, कोई ऐसी फील्ड हो सकता है जिसको जिसके साथ आपके बचपन में कोई नाता नहीं थी, आपका कोई शौक भी नहीं थी शायद, बट आपका रूट्स में थे, आपकी उस कोड में थे, डीएनए कोड में, वो कहते हैं कि वो एक्टिव होना, शायद वो पास्ट में थे। लुक लाइक शुरुआती दौर में इस बात में आने से पहले भटकाव बहुत होंगे। चलिए देखते हैं क्या एनर्जी है लाइफ जर्नी। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड। ओके, लाइफ जर्नी ग्रुप नंबर वन, थैंक यू। लव लाइफ भी देखेंगे आपकी, थैंक यू। डार्क थॉट्स कंसर्सनेस, ये एनर्जी डार्क थॉट्स का मतलब है जब आप अपने आप को लेकर, अपने ऑरा को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं। आपको लगता है भाई मैं किस चक्रव्यूह में फंस चुकी हूँ, गॉड मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे, एंड अगेन एंड अगेन साइकिल रिपीट क्यों हो रही है। लुक दिस डार्क थॉट्स, एंड ये जो पर्सन खड़ा है अपने ही शैडो को देख रहा है एंड भयभीत हो रहा है। मुझे बहुत ना स्कॉर्पियन एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो इट्स वाटरी पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो वर्गो। और बहुत ज़्यादा जैसे मून जब पीड़ित हो जाते हैं, चंद्र जब पीड़ित हो जाते हैं कुंडली में, ऐसे तीन चार योग की वजह से वो होते हैं, और मुझे थोड़ी आपकी चंद्र पीड़ित नज़र आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर में लोग इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको लेकर, कि आप कुछ कर सकते हैं, उसका वो भाव, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो शुरू में नहीं होंगे, बहुत बाद में जाकर वो एनर्जी हम देखेंगे। बट फर्स्ट कार्ड ही डार्क थॉट्स आ रही हैं, या कंसर्सनेस ऑफ लैक। बहुत मनी है उसके पास, फिर भी उसको लग रहा है कुछ नहीं है, तो एक एम्प्टी वॉइड एनर्जी, हमेशा ही एक लैक की तरफ देखना, जो नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी जो लैक होते ना, कुछ नहीं मिली तो हम उसको लेकर सोचते हैं। वो एक कहावत है ना, जो मिल गया वो मिट्टी है, जो नहीं मिला वो सोना है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर वन, आपके पास धन संपत्ति होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत गोल्ड कॉइन्स दिखाई दे रही हैं। बट शायद आपका इन सारी चीज़ों से भी मोह उठ जाएगा,
क्योंकि ये चीज़ें भी आपको पत्थर नज़र आ रही हैं। लुक दिस, इतने सारे गोल्ड कॉइन्स है, यू नो, जैसे लॉकर में रखा गया है, बट स्टिल लाइक एक पत्थर बन चुकी है, वो बोझ बन चुका है। मतलब ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको वो मनी का हो सकता है एक टाइम में आप बहुत कमाएंगे भी, पर धीरे धीरे इससे छूट जाएगा मुंह आपका। आपको सुनने में अभी शायद और लग रही है, योर हायर सेल्फ स्प्रिट, दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि छूट जाएगा ये रथ। मतलब जो भी नेगेटिविटी थॉट पैटर्न थे ये छूट जाएगी। ये प्रकाश है जीवन में, ये सबसे बड़ी जो स्प्रिट, जब आपके भीतर सोल जब जागृत हो जाता है तब और किसी चीज़ का मोह नहीं रहता, कि क्योंकि आप जिस जगह से आई है वो जगह आपको खींचने लगते हैं, वो सोर्स आपको तब कॉल करना शुरू करते हैं। तो योर हायर सेल्फ से मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स एंड लुक दिस लाइक ए पिंक हार्ट और पिंक और थोड़ी जैसे एक ऑरेंज पिंक की हार्ट दिखाई दे रही है। तो आपके दिल में दूसरे के लिए बहुत सेवा भाव होगी, कंपैशनेट एनर्जी एंड हायर सेल्फ। यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है, जब आपका ये प्रोसेस चलेंगे, कोई एंसेस्टर स्प्रिट गाइड हो, बट एंसेस्टर से भी ज़्यादा ये कोई हायर सेल्फ, मतलब आपकी आराध्य हो, आपने पास्ट में उनकी बहुत आराधना की एंड कुछ कर्मा की वजह से शायद फर्स्ट फेज में ये सिचुएशन है। और आप देखेंगे जो गॉड्स का चाइल्ड है, डिवाइन चाइल्ड है, बहुत तकलीफ़ में होता है क्योंकि उसका सोर्स से इतना लगा वो। आप देखते हैं कि बचपन में छोटे बच्चों कहते हैं अरे वो तो नारायण है, अगर छोटे बच्चे भी कुछ गलत काम कर देते हैं तो बड़े कहते हैं अरे छोटे बच्चे नारायण है, मत डांटो उसे। अगर पूजा की किसी थाली वगैरह को वो टच कर देता है, मतलब यू नो नहाया नहीं फिर भी टच कर देता है, तो कहते हैं कि अरे नारायण है उसको कुछ मत बोलो। तो एक बच्चा जब जन्म लेते हैं एक सर्टन टाइम फ्रेम तक, जब तक उसे इस दुनियादारी का ज्ञात नहीं होते, वो सोर्स के साथ ही कनेक्टेड होता है क्योंकि गर्भ में वो हाथ जोड़ कर रहता है। वो कहते हैं कि वो जिस सोर्स से आया, जिस भी धर्म से है, एक्चुअली हिंदू धर्म में कहा जाता है कि वो मतलब श्री हरि का वो जाप करता है, गरुड़ पुराण में मिलते हैं, बट अब जिस भी धर्म से वो सोर्स से आया है वो उसका आराधना करता है, उसका मंत्र जाप करता है, कि पूर्व जन्म की सारी कर्मा के लिए माफ़ी भी मांगता है। जन्म लेते ही वो धीरे धीरे भूल जाता है अपना सोर्स को, बट ये एनर्जी वो भूलने वाली एनर्जी नहीं है। ये एक ऐसा कॉल है जब आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू। पीस वॉकर, पीस जेंटल फॉरवर्ड, नंबर 9। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड लुक दिस सेलेनाइट क्रिस्टल हियर, मतलब आप एक पीस मेकर एनर्जी है। दो लोग झगड़ा करें बीचों बीच सुलह करने वाला, आपका उपस्थिति, आपका प्रेजेंस बहुत एक शांति की वातावरण लेकर आएंगे। ओके, मुझे इसलिए मुझे शुरू में ही टच करते हुए मुझे बहुत एक शांत, आप बहुत शांत स्वभाव की है, बहुत झगड़ा वगड़ा कर चल रहा है, बहुत कंपिटिटिव नहीं है। एक लोग झगड़ा करे तो आप यू नो उसके साथ मुँह लगाना ही पसंद नहीं करते होंगे, शायद आपको पसंद नहीं है इतना भीड़ भाड़। सो ये एनर्जी आपका, आप धीरे धीरे ये डिटैच हो जाएगा। आप देखेंगे बहुत परिवार से भी ये डिटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है। स्टैंडिंग स्टोन्स एंसेस्टर गेटवे सैक्रेड, यस, स्टोन का एनर्जी आ रही है। मुझे ये एनर्जी आई बिकॉज यहाँ पर भी एक स्टोन थी, मैं आपको बता रही थी कि पैसा भी स्टोन के भांति जैसे मतलब भारी नज़र आ रही है। स्टैंडिंग स्टोन एक लेगेसी की बात करते हैं, क्योंकि आज भी सैटर्न की मूर्ति की जगह देखेंगे स्टोन में पूजा होती है। तो स्टोन सिर्फ सैटर्न देव की बात नहीं है, स्टोन आप देखेंगे स्कल्पचर जो आप देखेंगे दक्षिण भारत में है, बहुत सारी चीज़ों की साक्षी है, बहुत सारी चीज़ों की जैसे उसमें जो यू नो लिखाई होती है, पिक्चर होती है, वो बहुत कुछ वर्णन करते हैं। आपका भी ऐसा लिगेसी आप छोड़ जाएंगे जो आपकी मरने के बाद भी वो रह जाएगा। जैसे एक साइंटिस्ट मर गया बट उसका क्रिएशन जो उसने जो डिस्कवर की, जो इन्वेंट की, वो रह गया, उसको लेकर आज भी चर्चा होती है। एक सिंगर चला गया वो उसका गाना रह गया, तो बिकॉज स्टैंडिंग स्टोन का मतलब वो है, वो स्टोन बन गया। एंड बहुत सारे चीज़ों की साक्षी, एक स्टोरी टेलर का एनर्जी आ रही है आप में। ओके, देखते हैं। प्रोटेक्टिंग ट्रेजर, नंबर 39। शुरुआती दौर में दैट्स वाई डार्क थाट्स, चले जाने की बहुत डर होगी आपको, एक बच्चों की जैसे यू नो हर चीज़ को आप बैकअप रखेंगे, हर चीज़ में ना जैसे ख़त्म हो जाएगा, बहुत भयभीत एक सोल। हम सभी यहाँ पर आई है सोल को सिखाने के लिए, जब आप मतलब सोल एक ही पर्पस है शरीर को धारण करने के लिए, सोल सीखना चाहता है आपके माध्यम से, आपकी शरीर को इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सोल सीखेगा, यही मेन पर्पस है, राइट।
उसको मुक्त होना है नेगेटिविटी से। प्रोटेक्टिंग टेजस शुरुआती दौर में इस सोल बहुत जैसे भयभीत है, बहुत सारी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रही है। शुरुआती दौर में बहुत आप सेंसिटिव हैं, लोग इसको इसका एडवांटेज भी ले रही हैं, बट आपको जैसे आप बहुत डाउन केयर टाइप एनर्जी रहेंगे, ना पैसों के पीछे आप भाग रहे हैं, और अगर भाग भी रही है तब भी आपको वो पर्याप्त नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि आपको उस चीज़ से लगाव ही नहीं है। आपको आज 100 मिल गए, हज़ार के लिए भागेंगे, 1000 मिल गए तो लक के लिए भागेंगे। कभी भी मतलब एक सर्टेन टाइम फ्रेम में आकर ये चीज़ें चले जाएंगे आपकी, जब तक नहीं जाएगा आप सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। ये हो सकता है 45 तक ये सिचुएशन आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये लैक से इस एनर्जी में आप कन्वर्ट होंगे। नेक्स्ट, दिस इज़ फील्ड ऑफ ड्रीम्स। आपको लगेगा कुछ और ही है जो मुझे करना है, ये वो पायल है जो एक जॉब को छोड़कर दूसरे कुछ करना, क्योंकि हर एग में एक ड्रीम्स दिखाई दे रही है, जो अगर प्रॉपरली उसको वो ताप मिले, वो हीट मिले, तो वो यहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन या फिर मान लीजिए वो फलित होगा, वो होगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली भाई सारे कोई ड्रीम का पाल कर रखेंगे, बहुत हो सकता है कम उम्र में, बट उसको आप इग्नोर करेंगे क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है, आप भाग रहे हो उसके पीछे। एंड एट अ टाइम, एक सर्टन टाइम फ्रेम में आकर आपका ये ड्रीम ही तब सब कुछ होगी, तब आपका मनी, आपका पैसा, कौन क्या कह रहा है, कुछ मतलब नहीं होगी एक टाइम फ्रेम में आकर। 1221 एंड स्पार्क, वो कहते हैं एक छोटी सी चिंगारी पूरी भवन को जलाने के लिए काफ़ी है। तो एक चिंगारी की जैसे आप, मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है कि आप में ह्यूज पोटेंशियल है। एंड एक मतलब स्पार्क, एक ऐसा स्पार्क, कभी कभी आप देखेंगे ना, कब आप किसी के पर्सन के साथ मिले तो आप उसको भूल नहीं पाते हैं, एंड यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सन, लोग आपसे मिलेंगे आपको भूल नहीं पाएंगे, आपका ऑरा ऐसा मजबूत होगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। मून, द स्ट्रॉन्ग मून हियर, ब्लैक कैट से हो सकता है आपको थोड़ी शुरुआती दौर में बहुत नेगेटिव है, ब्लैक कैट देख लिया, काला बिल्ली, यू नो कहते हैं ना कि नेगेटिव ना, उन्होंने टैरो में इसको बहुत ऑस्पिशियस गुड लक के रूप में, इवन बहुत सारे डेक में एकदम से पिक्चर देते थे, मतलब और मेरे पास अभी वो डेक मेरे हाथ के सामने यहाँ पर नहीं है, वरना मैं आपको दिखा दी, मतलब ब्लैक कैट है एंड गुड लक लिखी हुई है क्यू वर्ड्स। देखिए मून आया हुआ है तो एक क्रिएटिविटी से जुड़ी आपका काम होगा, क्रिएशन से जुड़ी आपका क्राफ्ट्स हो, सिंगिंग हो, म्यूज़िक हो, पैशन हो, क्योंकि मून मतलब क्रिएट, वास्ट क्रिएटिविटी, राइटर हो, लिरिक्स राइटर हो, यू नो एक शेप भी हो सकता है, इट्स ऑल अबाउट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके लेट्स सी, और मे बी फॉर सम ये हो सकता है कि बिकॉज स्पिरिट है, इट्स लाइक लाइट वॉकर एनर्जी, ऑनेस्टी एंड विद दिस लॉयल्टी, मतलब इस डेक में दो ही ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी एक ही साथ आपकी कार्ड में, मतलब आपकी पायल में आई है। सो सोचिए आपकी सोल कितना पवित्र है, मुझे इस एनर्जी में पुष्य हो, हस्ता हो, रेवती, उत्तर भाद्रपदा, सतवीशा, पूर्व भाद्रपदा, कुछ इस टाइप की माघा भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, मतलब खासकर आपके लग्न को गुरु देख रहा है, चंद्र कुंडली से या लग्न कुंडली से, मतलब यू आर वेरी ऑनेस्ट, मतलब आप किसी भी और से आप मतलब मैनिपुलेट करने वाले एनर्जी नहीं है, एंड जीवन भर एनर्जी रहेगी, एंड दैट्स व्हाई ना, क्योंकि जो मैनिपुलेट करते हैं, जो नेगेटिव एनर्जी है वो सोर्स को भूल चुका है, तब जाकर ना वो टेररिस्ट बना है, तब जाकर ना एक पर्सन दूसरे पर्सन को मार पा रही है, कोई जीवन दान दे रही है, कोई मार रहा है। तो ये आपका एक ऐसा एनर्जी है जो आप सोर्स को भूल ही नहीं पा रही है, एंड दैट्स व्हाई हर चीज़ में विरक्ती है कि इट्स नॉट माई प्लेस, ये जैसे मेरी जगह ही नहीं है। कुछ व्यूअर्स की एनर्जी में मुझे मतलब ग्रुप वन में स्टार सेट की एनर्जी आ रही है, देखते हैं। पब्लिसिटी, जुपिटर इन लियो, डजेंट मैटर आपका जुपिटर लियो में है, कहने का मतलब है पब्लिसिटी आपका, मैं आपको यही बोल रही, दिस इज स्टोन स्टैंडिंग स्टोन एंड पब्लिसिटी, कोई चीज़ें ह्यूज, आपका कोई बिजनेस है, कोई ऐसे काम आप करेंगे जो वर्ल्ड वाइड, कोई आप मान लीजिए आप ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, जो एक ऑनलाइन मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जैसे आपको पहचान, आपका पहचान बहुत बड़ा होगा, दैट्स व्हाई ना पब्लिसिटी है, इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो सकता है, लोग जानेंगे पहचानेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट, एक एक्टर एक्ट्रेस भी क्रिएटिविटी से जुड़ी, उसकी कला के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो एक ऐसा फील्ड जहाँ पर लोग आपका मतलब परिचय है, मतलब आपको आपके नाम से जाना जाएगा, संतान को भी, वो क्या कहते हैं कि संतान भी आपके नाम से कह रहे कि मैं उनकी बेटे हूँ या फिर बेटी हूँ,
देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लव लाइफ में। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, हर्मिट, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आपकी पूरी अर्थ मिशन में लव लाइफ की अगर बात करें, आपके पास मनी होगी, उसको लेकर चिंता ना करें, क्योंकि एक टाइम फ्रेम में आपके पास बहुत होंगे, बट वो भी पत्थर के जैसे लगेंगे आपको, वो बात की बात है। बट थ्री ऑफ पेंटाकल्स का मतलब आप किस तरह से आप अपने पुरुषार्थ के दम पर उसको एम्पायर को खड़े करेंगे। लुक दिस, एंड आपकी लव लाइफ में इसका बहुत असर पड़ेगा, बिकॉज आप इतनी ज़्यादा कैरियर, फाइनेंस, मनी ओरिएंटेड फर्स्ट फेज में रहेंगे बिकॉज ऑफ हर्मिट एंड थ्री ऑफ पेंटाकल्स। हो सकता है इसकी वजह से सेवन ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन में आ सकते हैं, या फिर आपकी वर्क फील्ड को परिवार वाले उस तरह से आपके प्रेशर को नहीं समझ पा रहे कि कितना प्रेशर वर्क फील्ड में है, तो इसकी वजह से एक दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। बट आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन आएंगे जो आपके घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखेंगे, आपको भी। हो सकता है आप इनको इतना टाइम नहीं दे पा रही हैं, और हो सकता है आपके जो पर्सन के साथ मैरिज हो वो भी काफ़ी वर्कहोलिक टाइप पर्सन हो। आपकी लव लाइफ में हो सकता है हर्मिट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स कोई पास्ट मेमोरी आपकी रह जाए, पास्ट मेमोरी इन द सेंस किसी पर्सन को आपने प्यार की वो चले गए, दूसरे किसी पर्सन के साथ आपकी मैरिज हुई, कुछ इस टाइप की। बिकॉज हर्मिट एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किसी की पिक्चर आप देख रही है, तो क्यों देख रही है, तो डेफिनेटली कोई मेमोरी, कोई ऐसे मेमेंटो, कुछ ऐसा रह गया जो आप शायद शादी के बाद भी उसको कैरी कर रही है, तो कुछ इस टाइप की स्थिति यहाँ पर कुछ ग्रुप नंबर वन के लिए हो सकते हैं। पति पत्नी के बीच कोई एक पर्सन काफ़ी ट्रैवल करेंगे या फिर ट्रांसफरेबल जॉब हो सकता है, बट मैं अगेन कह रही हूँ विद दिस क्वीन ऑफ कप्स जो है अकेले काफ़ी है पूरी घर को संभालने के लिए, बिकॉज दिस इज क्वीन, रिमेंबर दिस इज क्वीन, डजेंट मैटर यू आर मेल ऑफ मेल, आपकी पास पार्टनर है, डिवाइन पार्टनर है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स डिवाइन पार्टनर है, एंड इनकी एनर्जी में बहुत फेमिनिन एनर्जी है, तो अच्छी तरह से वो संभाल कर रख रही है चाहे आप जितने भी बिजी क्यों ना हो। बट एक टाइम फ्रेम में आकर आप भी काफ़ी, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो जाते हैं तो एक टाइम फ्रेम में आपको पश्चाताप होगी कि उस टाइम फ्रेम में टाइम देना ज़रूरी थी, वो वक्त बीत गई, तो ऐसा ना करें। अगर अभी भी आपके पास वो उसी फेज में आप हैं तो प्लीज़ फैमिली को टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर टू। आपकी लाइफ जर्नी कैसे होंगे, लाइफ का जर्नीस आप कितने सक्सेसफुल होंगे, आपकी फाइनेंस, आपकी लव लाइफ, बट आई डोंट नो ग्रुप नंबर टू। जब मैं रीडिंग शुरू की आई फील सो अपसेट, जैसे आई फील क्राइंग। ग्रुप नंबर टू आपने सोडा लाइट चूज़ की है, एनर्जी में बहुत डार्क एनर्जी है, एंड लिटरली आई फील क्राइंग ग्रुप नंबर टू। जैसे बहुत अपने जब चोट पहुंचाती है, बहुत अपने ब्लड कनेक्टेड पर्सन, कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, जब आप अपनों से चोट खाते हैं तब जो तकलीफ होते हैं, ये वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आप ट्रिगर्ड हैं और आपको लग रहा है कि दिस इज़ नॉट योर पाइल, स्किप दिस, आप स्क्रीन शॉट पर जाइए एंड अगेन देखिए, सो आपने गलत पाइल चूज़ की है, बिकॉज एनर्जी बहुत हेवी है, ये पाइल हेवी है। चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच स्प्रिट गाइड, थैंक यू, ओके, थैंक यू। लेटिंग गो, टू टू, किसी चीज़ को लेट गो करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बट समहाउ आप करेंगे बिकॉज ड्रैगन फ्लाई एंड बटरफ्लाई दिखाई दे रही है। टू टू, नंबर फोर, ओके, समन, फाइनल कॉल, नंबर 13। एक चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, आपकी एनर्जी में राहु का बहुत प्रभाव दिखाई दे रही है। राहु इधर ये लग्न में हो, ये पंचम, सप्तम या फिर नवम में है, मतलब राहु का एक बहुत, या फिर चंद्र हो या फिर लग्न कुंडल से, मुझे राहु का बहुत प्रभाव नज़र आ रही है कि एक पेज में एक गलती की वजह से बहुत बड़ी बदनामी हो, या फिर आप एकदम से जैसे घर में कैद हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। बदनामी में बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, इस सबके लिए ज़रूरी नहीं है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे,
बहुत अच्छी आपकी करियर है, बट किसी कारणवश आपके आसपास के सभी को जॉब मिल गई एंड इतनी ताने सुनते सुनते आप एकदम से एफर्ट्स तो छोड़ ही दीजिए, आप एकदम घर के भीतर एकदम एक रूम में स्टक हो गई। तो मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है। देखिए कार्ड जो आई है उसकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट, क्योंकि समन आया हुआ एक फाइनल कॉल, आप बाहर आएंगे उससे, उस केव एनर्जी से आप बाहर आएंगे। बट दिस अ फेज जहाँ पर शर्मिंदगी है, एक ऐसा फेज जहाँ पर सच में आपको बड़ी शर्म आ रही है लोगों को इस सामने जाने से कि ओ माय गॉड मुझे तो ये तो मुझसे भी, मैं पढ़ाती थी उसको, उसको जॉब मिल गई या फिर यू नो उसकी शादी हो गई, वो आपको कह रहा है तुम्हारी तुम इतनी दिखने में ऐसे हो वो हो फिर भी तुम्हारी शादी नहीं हो रही है और आपकी कुंडल में सप्तम में शनि बैठा है, वो तो जानता नहीं है कि होने नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे सिचुएशन जो एक्सप्लेन भी आप नहीं कर पा रही है और आप सुनते जा रही है बेवजह। ओके, इवेंट कमिटमेंट एंड समन के बाद कमिटमेंट आई है इवेंट, जहाँ पर आप बहुत इम्पॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट साइन करी है, बट आपके लाइफ में एक ट्रू पर्सन है क्योंकि जो कमिटमेंट दे रही है आपको। ओके, देखते हैं, एक साइन दिखाई दे रही है कोई, वेट, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको, आप किसी कंपनी में जॉब करते थे, कोरोना में आपका जॉब वगैरह चला गया या फिर ऐसी कोई क्राइसिस ऐसे कुछ ऐसी हुई वर्ल्ड में या फिर फाइनेंस में, वो जॉब चली गई एंड बहुत टाइम तक हो सकता है कि आप बैठे रहे घर में एंड एक फाइनल एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे। दिस द कमिटमेंट, बिकॉज एक निकाल दिया किसी ने, एक ने निकाल दिया, एक ने बुला रही है आपको दूसरे और से एंड दिस इज़ द फाइनल साइन। आपके लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आएंगे ग्रुप नंबर टू, एक ऐसा ब्रेक थ्रू जो आपके लाइफ को चेंज कर देंगे। ओके, देखते हैं, यस प्लानिंग एंड एक्शन। मुझे ना इस कार्ड को देखकर बहुत आर्किटेक्ट जो फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह होते हैं कुछ उस टाइप की एनर्जी, आर्किटेक्ट टाइप एनर्जी आ रही है अचानक से, या फिर आप विदेश जाएंगे, हो सकता है कि करियर वर्क फील्ड के लिए कुछ मेरे व्यूअर्स विदेश या फिर बर्थ प्लेस से दूर आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री जाकर सेटल करेंगे। थैंक यू। आपकी एनर्जी में मुझे आपकी थर्ड हाउस पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है आपकी कुंडली में। आप अगर कोई प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे ना वो सक्सेसफुल ज़रूर होगी। देखते हैं, दिस इज़ ट्रू लव, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि यहाँ पर इवेंट है, एनर्जी है एंड दिस इज़ द अगेन एनर्जी, तो आप जैसे हैं वैसे ही पर्सन आप अट्रैक्ट करेंगे एनर्जी वाइज। दिस इज़ ट्रू लव, सो ये आपकी जर्नी पाथ में है, मिरर सोल एग्जैक्टली लाइक यू। कभी कभी मैं मैरिज की जब रीडिंग करती हूँ तब आप बताते कि तो मेरी ही एनर्जी है, सो यस आप ही की एनर्जी है। थैंक यू। चलिए देखते हैं, ब्लू डिप्रेस्ड आइसोलेटेड हेल्प, ब्लू नंबर 11, लुक दिस जैसे एक ड्रैगन फ्लाई पड़ी, जैसे बहुत मायूस है, अपसेट हैं। इवन इस पायल में मुझे सैटर्न एंड राहु दोनों प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग, जब कोई पायल किसी कुंडली में राहु हो या फिर शनि, मोस्ट टू मैलेफिक प्लैनेट, इवन टॉरस के लिए भी अगर सप्तम में शनि बैठ जाए, लग्न में ही शनि बैठ जाए तब भी आपको नहीं छोड़ेंगे, ये बात समझने वाली बात है। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में एनर्जी में बहुत फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है एंड ये बहुत बड़ा एक कारण है आपके जीवन काल में, एक पेच में एक जैसे कारागार में है कोई एंड आपको सच में ये एनर्जी इतना हेल्पलेस होपलेस मुझे दिखाई दे रही है एंड ये आपकी जर्नी पाथ में तो है माय डियर, क्योंकि यहाँ पर लेटिंग गो एंड ब्लू है तो इत्तेफाक नहीं है। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू एंड दिस इज ओके जुनिथ, मदर नर्चर एंड प्रेजेंट। देखिए मदर का मतलब केयरिंग नेचर, आपके स्वभाव ही ऐसा है कि आप को क्रिएट बहुत करेंगे इस अर्थ मिशन में, जर्नी पाथ में, बर्ड्स को खाना खिलाना हो या फिर एनिमल्स को हो, आप जानते हैं कि कुदरत के साथ किस तरह से को क्रिएट करना है, सर्वाइव करना है, बिकॉज आपका एनर्जी बहुत बढ़िया है, बिकॉज एक पेज में एकदम स्टक एनर्जी एंड एक ब्रेक थ्रू की वजह से आप एक ऐसी मुकाम पर पहुंची है जहां पर आप दूसरों की मदद, क्योंकि मदर कार्ड आई है, मदर मतलब आपका आंचल बहुत बड़ा है, आप एक अनाथ आश्रम खोल रही हैं, आप एक स्कूल ओपन कर रही हैं, क्योंकि ये निर्माण की बात करें मदर का मतलब ही उम्ब, आपके द्वारा कोई क्रिएशन जो रह जाएगा, बिकॉज प्लानिंग एंड एक्शन
आपके द्वारा कोई बिजनेस, एक ऐसा बिजनेस आपने खोला कि नेक्स्ट जनरेशन भी उसको लेकर जा रहा है, उसे खा रहा है। तो प्लानिंग एंड एक्शन, कमिटमेंट एंड दिस इज मदर, तो ये तो ट्रायंगल फॉर्म कर, जानते हैं ना मनी ट्रायंगल होते हैं, पामिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है मनी ट्रायंगल, तो मुझे वो मनी ट्रायंगल दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, देखते हैं। इवन हम देखेंगे कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जो स्ट्रीट एनिमल को लेकर यू नो कुछ करना चाहते हैं, जो अचानक से रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो ताकि ना हो कुछ ऐसा कुछ करना जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अनकन्वेंशनल लग सकता है, बट आप कर जाएंगे, ये एक माइलस्टोन है। ओके, देखते हैं। कमिंग टू लाइफ, कितने सारे बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से एक स्कल्पचर फॉर्म हो रही है, स्कल्पचर में जान आ रही है, जैसे उसमें जान फूका जा रही है। एंड लुक दिस, ए लेडी 5D से एनर्जी लेकर 3D में, जो ये मिट्टी दिखाई दे रही है ना, ये 3D में कन्वर्ट करने की वो निशान है, प्रतीक है उसका। नंबर 29, कमिंग टू लाइफ एंड प्लानिंग एंड एक्शन, मतलब आपके द्वारा आप क्रिएट कर जाएंगे, आप एक लीडर है, नॉट रूलर। बैलेंसिंग एक्ट, जैसे नाव जब डूबने वाला है, जब ऐसे व्यक्ति आप देखेंगे, आपकी अगर 10 फ्रेंड है, कोई ऐसा पर्सन आपकी ग्रुप में होता है ना, कि वो पर्सन हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन लेकर आते, वो मजाक के थ्रू से हो लेकर आएंगे ही। अगर 10 लोग हैं, एक पर्सन में आप ऐसे क्वालिटी देखते हैं, दिस इज यू, आपके पास बिकॉज एक वुंडेड हीलर का एनर्जी आ रही है। एंड नंबर 29, 11, आपकी लाइफ में एज 29 या फिर 11 ईयर्स बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। आपकी लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम की, अगर मैं नंबर की बात करूँ, नंबर जैसे एज 29 आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बनेंगे। आपका एज जब 11 रहा है, तो आप डेफिनेटली, क्योंकि 2 times 11 कार्ड आई है, जब आपकी एज मतलब 11 ईयर्स बाद 2 to 8 में, आई मीन 22 ईयर्स में, 13 ईयर्स में, आपकी जब आपकी उम्र 13 थे, कुछ ना कुछ यहाँ पर हादसा हो या फिर कोई ऐसे इवेंट जिसकी वजह से आपकी यू नो पूरी दुनिया जैसे हिल गई है। एंड ठीक 11 ईयर्स बाद कोई बड़ी टर्निंग पॉइंट। इनटू द अननोन, नंबर 7, हो सकता है एक ऐसी चीज़ के लिए आप आगे बढ़ेंगे। शुरुआती दौर में मान लीजिए आप एक बिज़नेस ओपन करें, पर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं आपको, बट आपका लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए है, तो जब आप करना शुरू की, शुरुआती दौर में बहुत अनसर्टेनिटी रहेंगे आपकी लाइफ में, हो सकते थोड़ी आप डिसिप्लिन भी हो जाए, बट देयर विल बी समवन और कोई गाइड एवरी टाइम आपको गाइड करेंगे इन टू द अननोन, एंड दैट्स वाई आप कभी भी खाई में नहीं गिरेंगे, ऑलवेज कोई प्रोटेक्ट करेंगे। मुझे लेवेंडर दिखाई दे रही है, लेवेंडर जो हील करेंगे, कोई है जो उन्स को हील करने के लिए रेडी है। आपकी लाइफ में कोई एक इनविजिबल पावर सपोर्ट है, सबके लाइफ में, हम सब के लाइफ में है, बट यस, एक टेररिस्ट भी स्पिरिचुअल है, बस वो अपना सोल को अवेकन नहीं किया है, और आप एक हीलर वो अवेकन कर चुके हैं, वो अवेकनिंग के इस प्रोसेस पे गुजर रही है। तो सभी सोल ही स्पिरिचुअल हैं, सभी हम आए हैं, सबकी सोल जो है एक ही उद्देश्य है कि सीखना है। ओके, चलिए देखते हैं। लव लाइफ, जस्टिस, अब अगेन 11, अगेन मतलब 3 times आपकी 11 कार्ड आई है। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 2 of Pentacles, लुक दिस, हो सकते हैं हस्बैंड वाइफ मिलकर एक दूसरी जगह पर सेटल करना, लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर। हाई प्रिस्टेस, लॉन्ग टाइम से वर्जिन मोड, डीले, आपकी लव लाइफ में भी सैटर्न का प्रभाव दिखा। मैं एक बात यू ही जस्ट मैं बताई थी कि लोग आपको कह रहे कि शादी क्यों नहीं हो रही है, पर लोग तो जानते नहीं आपकी सप्तम में शनि है, तो जब मैं जस्ट यू ही बताई थी, यहाँ पर जस्टिस कार्ड दिखाई दे रही है जो सैटर्न का ही एनर्जी है, तो होगा क्या कि मैरिज भी आपको बहुत डीले में मुझे नज़र आ रही है। आप रेडी हो चुकी हैं, आप 23-24 में रेडी हैं, एकदम से रेडी है, बट फिर भी मैरिज डीले हो रही है। एंड मुझे ऐसा भी नज़र आ रही है, जब आप मैरिज के लिए रेडी हो चुके हैं, बट समहाउ मैरिज बन नहीं रहा, उस टाइम फ्रेम में भी आपको एक डिग्री कोर्स कर रही है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, देन आपकी फिर मैरिज हो रही है, मैरिज का योग फिर से बन रहा है, मैरिज हो रही है, कुछ इस टाइप की स्थिति हो सकती है। कुछ व्यूअर्स की हो सकते हैं शादी के बाद, कुछ व्यूअर्स की मैं बात कर रही हूँ, 10-15% के लिए कि दूसरी मैरिज हो, मुझे एक दूसरी मैरिज का वाइब्स आ रही है, सेकेंड मैरिज का वाइब्स आ रही है, दैट्स विल वेरी सक्सेसफुल फॉर यू।
कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आपका शादी बहुत मतलब एजड पर्सन के साथ हो जाए, आपके साथ उनका एज डिफरेंस हो सकता है। वैसे मैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ देख रही हूँ, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आई, दैट्स वाई मैं शेयर की। बट आप एक लविश लाइफ लीड करेंगे, एक ऐसी रिच वेल्दी फैमिली में आपकी शादी होंगे, काफ़ी मतलब ऐशो आराम आपके पास होंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं कि आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर सेटल करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ पर ससुराल एक जगह पर है बट आप शायद सेटल करेंगे दूसरी जगह पर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर टू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर थ्री, चलिए देखते हैं आपकी लाइफ की जर्नी, कितने सक्सेसफुल आप होंगे, आपकी फाइनेंस कैसे होंगे, आपकी लव लाइफ। आपकी रीडिंग के शुरू में ही मुझे वाइब साड़ी है आपकी हेल्थ, जैसे हेल्थ की वजह से लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो, या फिर मान लीजिए एग्ज़ाम के दिन जिनका हेल्थ ख़राब हो जाता है, कुछ इस टाइप की इंसिडेंट, या फिर पर्टिकुलर कोई एक और, जैसे आपकी आंखों में बहुत बड़ा चश्मा यू नो ग्लास पावर आ सकते हैं, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे आपकी पढ़ाई के दौरान आपका हेल्थ मुझे थोड़ी यहाँ पर डिस्टर्ब होने की वजह से आप बहुत मेहनती होंगे, बिकॉज मोस्ट सेकेंड आपने चूज़ की है, नो डाउट आप में एक स्टूडियस एनर्जी आ रही है, आप मेहनत करते हैं, बट बिकॉज ऑफ योर हेल्थ कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से, जैसे आपका जो फीडबैक या जो आप डिज़र्व करते हैं, मान लीजिए आपने पूरे साल भर पढ़ाई की और एग्ज़ाम के दिन आपका तबीयत ख़राब है, या फिर आपका इतना सर दर्द हो रही है कि आप बड़ी मुश्किल से लिख पा रही है, तो वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा दिक्कत है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। ओके देखते हैं ग्रुप नंबर थ्री, कैसे होंगे आपके लाइफ जर्नी। आपको पुरानी चीज़ों से बहुत लगाव हो सकते हैं, ओल्ड थिंग्स, उसकी जो स्मेल है, पुरानी बुक आप देखेंगे लाइब्रेरी अगर आप जाते हैं तो आप देख बहुत पुराने जो बुक्स होते हैं ना, एंड लाइब्रेरी जाते हैं कि अजीब सा स्मेल आते हैं, बहुत सुंदर सी, बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, बट शायद आपको पसंद हो सकती है। ओके देखते हैं, आप बहुत पुराने चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जैसे मुझे यू नो स्टोर करते हैं। रूट नंबर थ्री देखते हैं सिद्धि, सिद्धि कहते हैं ना कि सिद्धि लाभ होना, 3-3 एंशियंट नॉलेज हेल्प एंड डायमेंशनल। आपकी लाइफ में मैं आपको पहले बोल रही, पुराने चीज़ों से आपको लगाव है, नॉलेज एंशियंट नॉलेज, वो आपके धर्म से जुड़ी हो, वो मिस्टिक वर्ल्ड से जुड़ी हो, वो जैसे नेटिव अमेरिकन स्प्रिट कुछ सिंबल हो, कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, ऐसे चीज़ों से लगाव हो। म्यूज़ियम, मुझे आपके लिए म्यूज़ियम, जैसे आपको पसंद है जाना देखना यू नो सिविलाइजेशन कैसे आई, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ये जो सिविलाइजेशन है डिफरेंट डिफरेंट किस तरह, मतलब हिस्ट्री, यस यही शब्द हिस्ट्री, एक ऐतिहासिक बीत जिसको कहते हैं, मुझे आपकी एनर्जी में वो एनर्जी आ रही है, जो मिट्टी से खोद कर यू नो सच्चाई निकल कर लेकर आते हैं, राइट। ओके देखते हैं, थैंक यू। गिफ्ट कम्युनिकेशन गिफ्ट एंड क्रिस्टल, हो सकता है इस जीवन काल में आप क्रिस्टल से जुड़े काम करेंगे, इनके हाथ में सेलेनाइट है, ग्रुप थ्री साइड वन के साथ भी कनेक्टेड थे। एंड गिफ्ट मतलब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब स्पिरिचुअल गिफ्ट है आपके पास, जो शायद आप इस जन्म में उसको पॉलिश करेंगे या फिर उससे जुड़ी आप काम करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए कम्युनिकेशन है, जैसा यू विल बिकम ए टीचर, और एंटरटेनमेंट जैसे एक्टिंग डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि आप एक्टर बन गए, एक्ट्रेस बन गए, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट जो यहाँ पर आ रही है, टीचर हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, कम्युनिकेशन, एक सिंगर, वॉइस आर्टिस्ट हो सकता है। कुछ व्यूअर्स के लिए क्रिस्टल आ रही, क्रिस्टल से जुड़े काम करना, क्योंकि मुझे लग रही थी क्रिस्टल से जुड़े जो लोग काम करते हैं ना, जैसे रेक्टिफिकेशन यू नो फिल्ट्रेशन में, क्योंकि क्रिस्टल जो आपको दिखाई दे रही है, इसका बहुत सारे प्रोसेस के बाद इस फॉर्म में आया है, रॉ मटेरियल से ये इस फॉर्म में आया है, तो हो सकता है आपका जीवन में जैसे रॉ से सब कुछ यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा, एंड आपका जो मूल है वो आपको शायद बहुत देर में जाकर उसको पता चले, थोड़ी डीले आ रही है आपकी एनर्जी में, बट आपके पास बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है माय डियर, कुदरत का दिया हुआ, क्योंकि गिफ्ट कार्ड ही है तो, एंड आप भी बहुत इम्पॉर्टेंट, एक मतलब हम सभी का सोल का एक ही पर्पज़ है कि सीखेंगे, सोल सीखेगा, एनर्जी एक्सचेंज होते हैं, वो मरते नहीं हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर वो धारण करते हैं। तो मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपका पास्ट लाइफ का कर्मा हो सकता है थोड़ी हेवी थे,
एंड इस वजह से बिकॉज मॉ सेगेट में अगर आप देखेंगे ये एक्चुअली भूमि तत्व को रिप्रेजेंट करता है एंड बहुत मतलब यू नो जैसे बहुत कुछ झेल सकता है, भूमि की एनर्जी है बहुत कुछ झेल सकता है। तो स्ट्रगल मुझे थोड़ी नज़र आ रही फर्स्ट पेज में। देखते हैं माइलस्टोन इवेंट, आप लाइफ में एक माइलस्टोन क्रिएट करने के लिए आई हैं इस धरती पर एंड यस ट्रॉफी आ रही है, यू नो ट्रॉफी जैसे अवार्ड्स है आपके लिए, अवार्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे सिद्धि भी एक कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड ही तो है। ओके देखते हैं, थैंक यू लेटिंग गो। ओके नेक्स्ट फैमिली, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे एक थोड़ी हैवी मैसेज आ रही है कि आपको फैमिली से शायद दूर रहना पड़े, अपने फैमिली मेम्बर्स से, बिकॉज ऑफ योर वर्क फील्ड कैरियर एडुकेशन आपको लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़े। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि फैमिली के सपोर्ट आपके पास बहुत कम हो, और आइदर फैमिली के सपोर्ट कम होंगे और आप फैमिली से बहुत दूर रहेंगे बर्थ प्लेस से आपका। हो सकता है आप देखेंगे बहुत बच्चा है, छोटा है, 5 साल से वो यू नो हॉस्टल में है, बोर्डिंग में चला गया, तो उसी से ही उसका पूरा यू नो 10+2 उसका ग्रेजुएशन, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ कंप्लीट हो रही बाहर ही, तो घर के साथ वो घर डेफिनेटली पेरेंट्स है, वो पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है, बट फिर भी जो अफेक्शन चाइल्डहुड पीरियड मुझे थोड़ी, जैसे आपकी लाइफ में चाइल्डहुड पीरियड बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फैमिली रिस्ट्रिक्शन है, इन पर्टिकुलरली वन ऑफ योर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट, ये मत करो वो मत करो, कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। पीस आपकी लाइफ में एंड लुक दिस वन कपल, तो आपकी लाइफ में बिल्कुल आप ही के जैसे जो आप चाहते हैं, आप ही के जैसे एनर्जी सोल आप अट्रैक्ट करेंगे, दिस इज़ योर इंटेंशन, आपका सोल का ही इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन कार्ड से आई है। पीस आपके जीवन काल में पीस मतलब पीस रिस्टोर होगी, शुरुआती दौर में जो उतार पतार मुझे दिखाई दे रही है, एक उतार चढ़ाव इवन फ्लो, वो आपकी एंड फेज, जितना वो कहते ना कि हम सब के लिए जब बच्चा छोटा होता है ना 5-6 साल का, कहते ना कि अरे उसे डांटो मत वो नारायण है, कभी कभी आप देखेंगे कि कोई पूजा की थाला या फिर कुछ चीज़ को वो टच कर दिया यू नो गंदे हाथों से, तब भी घर के बड़े क्या कहते हैं ना छोटा बच्चा है वो नारायण है उसे डांटो मत। एंड जब आप बहुत यू नो एक एज में चले जाते हैं, मान लीजिए 80+, तब भी आप उस स्टेज में चले जाते हैं जो शुरू की थी आपने जर्नी, क्योंकि दोनों ही बहुत हेल्पलेस हैं, एक 3 साल के बच्चे या फिर 2 साल के बच्चे एंड एक 85+ की एक पर्सन, दोनों ही सोर्स एक सोर्स से बस आया हुआ है, वो कनेक्टेड है, दैट्स वाई कहा जाता है कि वो नारायण है। एंड बहुत बुजुर्ग पर्सन जो सच में हेल्पलेस होपलेस हो चुकी हैं, वो उनका ऑर्गन्स और उस तरह से एक्टिव नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं वो सोर्स के बहुत क्लोज हैं, तो दोनों का स्टेज सेम है, तो आपका लास्ट फेज बहुत पीसफुली मुझे नज़र, पीसफुल एटमोसफियर, सिल्वर एटमोसफियर। ओके लेट्स सी कॉन्ग्रेचुलेशन सक्सेस, यस माइलस्टोन एंड सक्सेस, ऐसा सक्सेस जहाँ पर मोहर लगाया गया है, सक्सेस जो लीगेसी है, जिसको जिस क्रिएशन नेक्स्ट जनरेशन देन नेक्स्ट जनरेशन वो उसको कैरी करा है, उस आपका एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर यू आर जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर, जो पीढ़ियों तक वो कहते हैं ना कि एक संपत्ति बनाकर गई, आपने जितना भोगा उससे कहीं ज़्यादा आपके बच्चे भोग रहा है उसको, तो एक उस टाइप का एनर्जी मुझे नज़र, क्योंकि आपका ना बहुत देर में सभी चीज़ें मिल रही है आपको, ये माइलस्टोन है सक्सेस, सेल्फ वर्थ नंबर 32, एज 32 एंड 39 आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, एज 32, 39 एंड 22 मतलब एज जब 22 साल आपकी है या फिर थे या फिर होने वाला है, इस फेज में लाइफ में हो सकता है कुछ बहुत बड़ा अपहेवल, या फिर बहुत चाइल्डहुड पीरियड में जब आपका उम्र 5 साल के नीचे थे, कोई बड़ा एक्सीडेंट, कोई ऐसे हादसा वगैरह होना, चाइल्डहुड पीरियड की बात करें, मुझे थोड़ी उसकी एनर्जी आ रही है, बट एज 32 हो या फिर 39 मतलब आपका एक ग्रोथ होगी, मतलब बहुत डीले में, क्योंकि 25+ से ही हम नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, बट आपका ग्रोथ बड़ी डीले से आ रही है,
आपकी लाइफ में। इवन मुझे सेल्फ वर्थ से नज़र आ रही है, एक टाइम प्रेम में ना आप बहुत सारे लोगों को टाटा बाय बाय कर देंगे, परवाह नहीं होगी आपको उन लोगों की, क्योंकि जो लोग आपकी एनर्जी के साथ मैच नहीं करते हैं, आपको मोटिवेट नहीं करता है। एंड कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आप जर्नल सेट करें, जर्नलिंग, क्राफ्ट्स, कुछ ऐसा चीज़ों के ऊपर आपकी झुकाव हो जाएगा जो शायद शुरुआती दौर में नहीं थी, बट आप स्टार्ट करेंगे उस चीज़ को। एंड ये सेकेंड फेज का एनर्जी आ रही है, फर्स्ट फेज में नहीं, सेकेंड फेज में आकर। ओके देखते हैं। ओके थैंक यू। फ्लाइंग, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत घूमेंगे आपके हाथ में ना, मुझे बहुत घूमने की एनर्जी आ रही है, जैसा बहुत भ्रमण करेंगे ना, बहुत पिलग्रिमेज वगैरह दर्शन करना हो, जाना हो, मतलब ये भी सद्भाग्य वो होना चाहिए। मूवमेंट अगेन, फ्लाइंग एंड दोनों जगह पर ही मूवमेंट की एनर्जी, मतलब जन्म एक जगह पर हुई, सेटलमेंट दूसरी जगह पर, सेटल हो गया। आप देखेंगे आप घर में, आपने जस्ट फॉर एग्जांपल आपने महाराष्ट्र में जन्म लिए हैं तो आप उसी जगह पर ही आपको काम मिल गया, आप उसी जगह पर शादी कर बस गए, बट ये एनर्जी वो नहीं है, थोड़ी आपका शिफ्ट हो गया, आप बहुत मूव करेंगे, जैसे हो सकता है आपका ना, मतलब आप एक जगह पर बहुत देर तक नहीं रहेंगे, मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वो एनर्जी आ रही है। आइदर आपका ट्रांसफरेबल जॉब होगा और ऐसा काम आप करेंगे जहाँ पर आपको मूव बहुत करना पड़ेगा फैमिली के साथ साथ, मतलब फैमिली को लेकर आपको मूव करना पड़ेगा। कुछ व्यूअर्स के लिए विदेश सेटलमेंट है, फॉरेन सेटल, कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी, ओवरसीज जर्नी भी है, मूवमेंट एंड फ्लाइंग। नेक्स्ट दिस इज़ एडुकेशन। यस, आपकी लाइफ में 35, आपकी लाइफ में ये रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी है नो इस पाइल में, बिकॉज सक्सेस इन्वेंट, कुछ चीज़ों का इन्वेंशन आ रही है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे एंड आपकी लाइफ में आप हो सकता है इसको सीख कर सिखाएंगे एक मेंटर गुरु के जैसे। एडुकेशन के लिए हो सकता है आपको लॉन्ग डिस्टेंस में जाना पड़े एंड चले गए तो सेटल भी हो गए, उसी जगह पर शादी कर आप बस गए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप फॉरेन गए हैं यू नो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, एमटेक, एमएससी के लिए, उसी जगह पर आपने यू नो और भी हायर स्टडीज़ की नौकरी वगैरह मिल गया, तो कुछ इस टाइप की स्थिति आपकी हो सकती है। बट ये वो पायल है जीवन के किसी भी पड़ाव में आकर नई कुछ सीख कर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, इतना पोटेंशियल इस पायल में है। ओके देखते हैं। हार्मनी, सन इन लिब्रा, वैसे नीच हो जाते हैं सन लिब्रा में, बट हार्मनी एनर्जी आ रही है। यस, सन जब वेनस की ऊर्जा में होती है, आपकी लाइफ में पीस होगी, आपकी लाइफ में लव होंगे, अच्छी तरह से लव लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस भी करेंगे। ओके देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटाकल्स, वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स, आपकी लव लाइफ में जर्नी है, अगेन जर्नी, ट्रैवल, टूर, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज फाइव ऑफ पेंटाकल्स के बाद वॉल कार्ड आई है, हो सकता है आपने किसी से प्यार किया, शादी किसी और से हो रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए संभावना हो सकता है, शुरुआती दौर में कोई आपके साथ इमोशंस के साथ खेल सकता है, फाइव ऑफ पेंटाकल्स, कोई आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, बाद में जाकर आपकी लाइफ में वो ट्रू लव आए जिसके साथ आप पूरी जीवन मतलब व्यतीत करेंगे एंड एक अच्छी एक संतान भी दिखाई दे रही है, दोनों मिलकर इक्वली शेयर करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बट आप दोनों के बीच ना एक डिस्टेंट जर्नी की वजह से हो सकता है इस पर्सन को इतना मूव करना पड़े या फिर आपको भी मूव करना पड़ सकता है, बट आपका जब मूवमेंट हो रही है यहाँ पर, आप जर्नी कर रही है इस पर्सन के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका बाकी सभी के साथ तो आप मूव नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स हो सकता है तो सभी दूसरी जगह पर है, तो इसकी वजह से आपके जीवन में खींचातानी बहुत चढ़ेंगे, पेरेंट्स एक जगह पर हैं, आपके पति हो या फिर आपकी वाइफ एक जगह पर है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी एक दिक्कत उस जगह पर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि लुक दिस, एक मेट्रो स्टेशन पर जैसे यहाँ पर बातचीत हो रही है, टेन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास होगी लव लाइफ में, साथ में परिवार का, ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है जिनकी कंधों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वन एंड ओनली चाइल्ड हो या फिर घर की बड़ी चाइल्ड है, तो बड़ी चाइल्ड है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी, पर मतलब जिसके साथ भी शादी हो रही है उनके ऊपर है तो आपके ऊपर भी है, राइट। एंड विद दिस एस ऑफ पेंटाकल्स, आपकी लव लाइफ में स्थिरता होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन आएंगे, थोड़ी अगर अप्स एंड डाउन आती भी है वो बहुत टेम्पोरारी होगी, बिकॉज एस ऑफ पेंटाकल्स का मतलब ये ऑटोमेटिकली चीज़ें फिर से सेटल डाउन हो जाएगी, थोड़ी यहाँ पर ईयर पास हो रही है तो थोड़ी अप्स एंड डाउन हो सकता है, बट दैट वॉज वेरी टेम्पोरारी,
वो बहुत टेम्पररी होगी एंड वो ऑटोमेटिकली सेटल्ड हो जाएगा। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है बिकॉज फाइव ऑफ पेंटिकल्स के बाद वर्ल्ड कार्ड आई है। मेगन के किसी पर्सन के साथ आपका बहुत सालों का लव अफेयर हो सकता है, कुछ संपर्क रिलेशनशिप, देन वो ब्रेक होकर किसी पर्सन के साथ दूसरे पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है, कुछ ऐसी स्थिति हो सकती है, या फिर आपकी पर्सन जो शादी हो रही है उनकी कोई ऐसी स्थिति हो सकती है, आप दोनों की भी ऐसी हो सकती है स्थिति। बट मुझे स्ट्रांगली भाव सारे जब शादी हो जाएगा आप बहुत खुश रहेंगे बिकॉज ऑफ हारमनी, लव, बैलेंस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।